उस मूवी का यहाँ ले लीजिए। एक मंडप में दो शादी ऐसे ही होता है। और सेम हीरो हीरोइन तो और कंफ्यूजन। अगला जी एक सेकंड रेडी मैम, रानी जी क्या कहना चाहेंगे ये इस म्यूजिक लॉन्च में आप शिरकत किया और आज रियली इंडियन मदर का म्यूजिक लॉन्च हुआ और फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे हैं। रोमांटिक सॉन्ग्स और मेरा सोलो सॉन्ग इसमें है बहुत ही अच्छा है। इसमें एक देश के ऊपर भी सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा है। पूरी म्यूजिकली फिल्म है रियल इंडियन मदर। आई होप कि लोगों को आज म्यूजिक लॉन्च हुआ है तो लोग जब सुनेंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इन्जॉय करेंगे लोग। कब तक ये लॉन्च हो रहा है? रिलीजिंग डेट तो मुझे भी पता नहीं बट ट्रेलर मार्केट में आ चुका है। ट्रेलर लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, सॉन्ग्स बहुत पसंद कर रहे हैं। अब लोग ऑडियो सुनेंगे वो भी लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप कि जल्दी ही फिल्म रिलीज की डेट पर आएगी। जी, रानी चटर्जी की बात करें तो एक लहर थी, एक जमाना था और वो लहर थोड़ी कम हुई है, क्या कहते हैं? कौन सी लहर? किस चीज़ की लहर? अरे अरे किशन के साथ और तमाम ऐसे दिग्गज हीरो मेरे अफेयर्स। फिर एक्चुअली क्या होता है ना, टाइम के साथ साथ हर चीज़ें चेंज होती हैं। लोग मुझे ज़्यादातर मेरी एक्शन फिल्में ही देखना पसंद करते हैं लोग। इसलिए मैंने एक रूटीन कर लिया कि मैं साल में 3-4 फिल्में एक्शन करूँगी। उसके अलावा अगर मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा जो मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी, क्योंकि 11 साल मैंने कंटिन्यू ऐसे काम किया है जैसे लोग कहते हैं पागलों की तरह काम किया है। दिन यहाँ तो रात कहीं और हो रही है, 3-3 शिफ्ट में काम किया है। तो अब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होके काम कर रही हूँ। साल में 3 फिल्में रिलीज़ होंगी और क्या है ना, अपनी भी लाइफ थोड़ा जीना चाहिए। जी, आने वाली फिल्मों के बारे में अगर बात करें आपकी तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? आने वाली मेरी फिल्म अभी आएगी हिम्मत वाली, एक्शन फिल्म है। उसके बाद आएगी शिव रक्षक एंड क्या मैंने अभी नाम लिया था मेरी फिल्म का, मैं भूल गई। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी फिल्में देखते रहें और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें।